सबके दिलों की जान है वो SMZ है, जिस पे ये जान कुर्बान है वो SMZ है। हम तो नाम कमा कर भी गुमनाम से थे, हम तो नाम कमा कर भी गुमनाम से थे, जिससे मिली पहचान है वो SMZ है। पिंडी में लाहौर कराची होंगे लेकिन, पिंडी में लाहौर कराची होंगे लेकिन, फखरे पाकिस्तान है जो SMZ। हर माह 60-50 तो शामिल होते हैं, लाखों का खानदान है वो SMZ। आंखों से वो फाल जहां पर बनते देखे, इंजीनियर भी हैरान है वो SMZ। अच्छा जी, ये हमारे पास फोन है और मॉडल कौन सा है? X600। अच्छा जी, यहाँ पे आके गुलफाम, ये इसका डायग्राम ओपन कर, और शिदा अभी आप मीटर संभालने में लग जाओ, अभी मीटर हमारा सही नहीं है, कैमरा मैन का टोटल ठीक है। इसमें देखो मसला क्या है, ये मसले बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा डेली अगर आप देखोगे ना तो किसी न किसी शॉप पे यह मसला आता है, बैटरी सेंस का मसला, किसी में बैटरी लो दिखाता है, किसी में रेड सा निशान आ जाता है, और किसी में जो है ना ऑन हो के बंद हो जाते हैं। ये सेंसिंग से रिलेटेड बहुत सारे मसले इन मॉडल्स में आ गए, सही है। तो इसकी तो थोड़ा सा आज हम आपको डिटेल देने वाले हैं। पहले मसला समझो, इसकी तरफ फोकस कर लो मोबाइल में, ताकि देखो मैं पावर की अभी प्रेस कर रहा हूँ, फोकस हो गए जी, पावर की मैंने प्रेस किया, और ये देखो बैटरी लो का सिंबल आके क्या हो गया, बंद हो गया। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इस तरह दिखा रहा है जिस तरह ये बैटरी इसका पुल क्या हो, लो हो, सही है। और बैटरी में भी आपको चार्ज दिखा रही है, बैटरी का निशाना की तथा है, सही है। और फोन हमारा ऑन नहीं है, अगर चार्जिंग के दौरान चेक कर ले, थोड़ा सा चार्ज हो गया, और कैमरा कर लो यहाँ पे अपना स्मार्ट चार्जर की तरफ, ऊपर से कैमरा बना, ये स्मार्ट चार्जर नज़र आ रहा है कैमरे जी, जी आ रहा। इसके साथ मैंने चार्जर लगा लिया, बैटरी भी लगी हुई, चार्जर लगा लिया वहाँ भी 0.6 आ गया, और यहाँ भी कुछ भी नहीं, सही है। तो कोई यहाँ भी कोई भी निशान वगैरह कुछ भी नहीं। 30 नीचे के और सप्लाई से इसका बूट केबल दे, हो सकते हैं बैटरी में मसला हो, बैटरी का जो अंदर लोड रजिस्टर होता है वो ख़राब हो, तो बैटरी भी इसकी क्या है, कुछ भी ट्राई किया आपने अगर? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसके साथ मैं पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ, सर पावर सप्लाई नज़र नहीं आ रही। अच्छा पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई हमने कनेक्ट किया, ऑटो कोई भी इम्पेयर नहीं, इसका मतलब इसमें शॉर्टेज नहीं है। इन सारी बातों को आपको नोट करना होगा, अभी मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ, और की वहाँ पे 192 तक गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा है तो कुछ भी सैम्पल मेंबर वगैरह कुछ भी वही ऑप्शन आ गए। चलो मैंने ध्यान दिया, वही ऑप्शन आके क्या हो गए, दोबारा देखते हैं। देखो अगर कोई कही कि इसका शायद बैटरी लो, बैटरी लो तो पावर सप्लाई तो लो नहीं है, पावर सप्लाई भी क्या लो का ही ऑप्शन है। अभी देखो अगर बिल्कुल ऑन नहीं हुआ था तो कोई पावर ऐसी हिट कर लेता, सीबी और बाल करता वगैरह वगैरह कर लेता, इसके केस में अभी डिफरेंट केस है कि नहीं है, तो इसको अभी नॉलेज के बगैर कोई भी नहीं, इसके पास नॉलेज होगा वही का, वरना यह डायरेक्ट कोई सीबीओ क्या कर लेगा, रिवाल करेगा, पीएम रिवाल करके कस्टमर को वापस पकड़ा। चलो ये मसला कई जगहों से आ सकते हैं, आपको बताया ना, यस सर, कई जगहों से आ सकते हैं, टोटल बताया, यस सर। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चेक करेंगे, और चूंकि मैं सारा दिन आपको पढ़ा लिया तो मैं अभी आराम से बैठ जाऊंगा, और कौन एक्सप्लेन करेगा, गुलफाम सर एक्सप्लेन कर लें, और माइक मेरा ले लूँ मैं, वैसे एक बड़ी में का रिटायरमेंट ले रहा हूँ, एक स्टूडेंट ना को टेंशन हो गई कि अभी मेरा बैच में नंबर ही नहीं आया, और ये रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट का मतलब ये है अभी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ कुछ देर के लिए, सही है, कुछ देर के लिए रिटायरमेंट ले रहा हूँ। चलो यहाँ से बैठ के देखने में मज़ा ही होगा। अच्छा जी करो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करो। Thank you.
यहाँ पे पहले एग्जिट करो, उसके बाद क्या करो आप? मेरा फूल कपड़ा के यहाँ पे बैठ जाओ, मैं पीछे जा रहा हूँ, यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा। हाँ देखो, अच्छा गुलफाम स्टार्ट करो। इसके लिए हम सबसे पहले स्टेप 1 2 3 क्या चेक। अच्छा इससे पहले इसको चेक करते हैं हम मोबाइल को, तो इस हमारा जो पहला स्टेप है, जब ये आप ऐसा करो कि इसका इसमें कुछ लाइनें होती है सैमसंग, सही है, तो हम वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका रोड इसे चेक करते हैं कि वो आप इसका हमजा भाई एक बार था, इसका रोड इसे चेक कर लो कि वो आपस में इंटेरा नहीं है। पहले हम बैटरी के माइनस का जी आर लेंगे, बैटरी टर्मिनल का माइनस आपके जी आर लेंगे। मतलब भाई ये बैटरी को आप सबसे पहले आप इसका माइनस पर जी आर लेंगे, एक रो बी बॉडी है, इसका मतलब कि हमारा ये वाला हिस्सा ओके है। आपको बताया गया कि ये क्यों ओके है, इसमें कुछ लाइनें निकलती हैं वो भी आपको बताई गई है। अक्सर लोगों को ये ही नहीं पता होता कि माइनस की लाइन में भी कुछ लाइनें होती हैं, सही है, वो आपको बताई गई है कि कौन सी लाइनें हैं। जो भाई एक बार चेक कर लें, अच्छा उसके बाद हमारा स्टेप 2 होगा बैटरी टर्मिनल का आर डी और बैट ऑन का जी आर देंगे आप। सही है, ये हमारी बैड ऑन की लाइन थी, इसके बाद आईडी की लाइन, सही है। इसका मतलब हमारा बैटरी टर्मिनल का माइनस वो भी ओके है और बैड ऑन भी ओके है। अगला स्टेप आपको मैं बताता हूँ कि इसका मतलब देख लो कि प्लस की लाइन में कोई लगा हुआ है लोड रजिस्टर, हमने टेस्टिंग की, उसमें आईडी थर्मल और इसकी मेंस की लाइन चेक की और आईडी की लोड से चेक किया। अच्छा अभी हम बर्नियों में जाएंगे और जाके देखेंगे इसकी सेंसिंग के लिए कौन सी लाइन और है, सही है। चलो इसकी वो सेंसिंग की लाइन चेक करने के लिए हम इसका लेआउट पे जाएंगे। ये मॉडल हमारे पास नोट 7X690 बैटरी कनेक्टर को कॉपी करेंगे, सिंपल इसका सिनेमैटिक में जाके हम पेस्ट कर देंगे, सही है। इसमें पहले नंबर पे जो हमारी लाइन है ये देखो कौन सी है, आपको बताया गया कौन सी लाइन है, सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है हमारी, तीसरे नंबर पे कौन सी है, चौथे नंबर पे कौन सी है, उसके बाद एन सी, सही है। ये बैट ऑन की लाइन को हम कॉपी करेंगे और ले इसमें ये एक रजिस्टर लगी हुई है, आगे हम इसकी एग्जैक्टली की एक ये लाइन है इसकी सेंसिंग की बैट एडीसी, हम ये चेक करेंगे, सही है। इसको सिंपल हम कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे कि इसकी लाइन में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। इसकी लाइन में ये देखो ये क्या लगा हुआ है, सही है। ये जो हमारी बैट एडीसी की लाइन होती है ये अक्सर वी बैट से कनेक्ट होती है,
मतलब ये बैटरी बैड से डायरेक्ट हमें पीएम में दी जाती है। पीएम इसलिए दी जाती है कि वो पीएम के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो कि बैटरी को सेंस करता है। पीएम डायरेक्ट बैटरी को उधर से ही सेंस करता है, सही है। इस पे हमें बैटरी के वोल्टेज मिलेंगे, सही है। 3.6 से लेकर 4.2 तक की 4.6 तक हमें इस पे वोल्टेज मिलने चाहिए। हमजा भाई ये चेक करें आप। ये हमजा भाई ये पीएमएस के पास ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, सही है। इधर से माइक्रोस्कोप ये पीएम के पास ये दूसरे नंबर पे पैचर लगवाएगा या फिर सिम जैक के नीचे है। इसके चीज हम बैटरी लगाएंगे और मीटर का बिल इसी पे करेंगे और देखेंगे कि इससे बैटरी के वोल्टेज मिल रहे हैं कभी मिल रहे हैं। मीटर तो बीटीसी पे बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वोल्टेज जा रहे हैं। अच्छा ये इधर कैपेसिटर लगा हुआ है लेकिन ये चूँकि ये एक काफ़ी दुकानों से होकर आया है तो जारी बात इधर तक आया कोई ना कोई मसला तो उसमें होगा तो ये इधर लगा नहीं हुआ। इस कैपेसिटर का जो काम होता है वो प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, सही है। ये इसको हटा देंगे फिल्टर करना और प्रोटेक्शन वगैरह करना है कुछ और एसी के दौरान को ये वो फ्रिक्वेंसी को सारा कुछ करना होता है इसका। अभी ये उतर जाएगा इससे मतलब ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, एसी के दौरान तो ये जो ग्राउंड करना है सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अभी देखिए इन्हें प्रॉपर ये पैरेलल में लगा हुआ इसका काम चलता रहेगा। अभी इस पर हम चेक करेंगे कि बैटरी के वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मतलब एक बार चेक कर लें इस अगर ये निकल जैसे फूल डेड हो सकता है अगर इससे निकलने से बैल डेड भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे अभी इस पे हमें बैटरी के वोल्टेज मिलने चाहिए 3.6 से लेकर 4.2 तक या 4.6 तक हमें वोल्टेज मिलने चाहिए क्योंकि अभी इधर कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, सही है। एक मिनट बैटरी चेक कर लो, कनेक्ट कर बैटरी कनेक्ट कर बैटरी का वोल्टेज चेक कर लो कहीं नहीं है ये पास ये टीवी चेक कर लो बैटरी का वोल्टेज नहीं है दूसरी तरफ ग्राउंड चेक कर लो सही तरीके से बीसी से चेक कर सकते हैं मीटर चेक कर लो अभी भाई हमजा भाई दूसरी तरफ चेक करें इधर वोल्टेज नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे हम एक को भी बैट की लाइन से इधर से थोड़ा सा क्लियर इधर से लाइन थोड़ी कम कर ये अक्सर हमारी भी बैट का ही एरिया होता है देख लो इधर से थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और एक जंपर इधर लगा के चेक कर स्क्रैच चेक करके देख लो कभी बैट आ रही है कि नहीं आ रही है बैटरी अभी अभी बैटरी लगा के चेक करेंगे कि इधर वोल्टेज है कि नहीं इधर वोल्टेज है। अभी सिंपल इधर से एक जम्पर उठाएंगे और उधर लगा देंगे सही है। इधर चेक करो एक बार हमको भाई ये दोबारा बैटरी इंटरनल इधर से कोई पिन डैमेज हो गया होगा या कोई लाइन इधर से ब्रेक हो गई होगी बैटरी
चलो ये नंबर लगा लेते हैं तो मैं आपको डेटा का ये धन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया मैंने ये बैड बिल में आपके बारे में आप सब समझते हो किसी को मसला तो नहीं है सर इसको कौन से नहीं करते बीमारी कौन सी लाइन है और ये कौन सी है आईडी की और ये कौन सी है सही है इसके बारे में किसी को कोई सवाल तो नहीं है बंदे को क्लियर है आगे चलते हैं अभी देखते हैं कि वो ये वाली लाइन कैसे कनेक्ट है कि नहीं जिससे जिससे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं इसके साथ कनेक्ट है और ये पीएम के साथ भी कनेक्ट है सही है मतलब इसका पीएम के साथ भी कनेक्ट है इधर से ही पीएम इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा सेंसिंग करेगा और बैटरी को आपस में डिटेक्ट कर लेगा अच्छा अभी ये हम जबर हो गए हम आपको चेक करवाते हैं थोड़ा संचय थोड़ा क्लियर करो थोड़ा चाबी तरह वोल्टेज चेक कर लो जहाँ पे जब बंद है चलो अभी आ जाओ क्योंकि ये हमारे बैच का ही इस बैच में जो न्यू शुरू हुआ है इसमें एक स्टूडेंट है उनका ये मोबाइल था तो ये हम दोनों के लिए एक थोड़ा सा टास्क था आज के लिए तो ये सब भाइयों से शेयर किया है तो इस वीडियो को लाइक भी करना है सब्सक्राइब भी करना है ये हमारे चैनल को तो ये जिसका मोबाइल था हम उसको बुलाएँ कि वो आकर हमारे साथ कुछ ताज़रात बयान कर सके आ जाओ ये सबको एक मतलब सबको दिखो अच्छा वो हमारे सब्जी वो बैठे हुए हैं अच्छा ये कुछ ताज़रात अपने लिए
बोलने दे मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है, मुझसे नहीं हुआ। और जो हमारे शहर में है कारीगर, उनको भी कस्टमर ने दिखा है, उनसे भी नहीं हुआ। तो मैं इधर आ रहा था, इधर लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया माशाल्लाह। कुछ हमने आपको करके दिखाया, जो कुछ आप पढ़ रहे हो, आप सच्ची सच्ची बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत समझ। आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा था? नहीं नहीं नहीं। ये सब साथी कैसे हैं? ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। जो सभी सुबह से लेके शाम तक पढ़ाते हैं, आपके समझ में आता है? जी हां, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी खुशी आपको फील हो रही है? बहुत खुशी और बहुत फायदा भी हो रहा है इंशाल्लाह। ये मैं जो दिल हासिल कर रहा हूँ अपने शहर में भी, ये फिल्म और दोस्त हैं मेरे जो उधर मुझे कह रहे हैं, जो हमारे बच्चों को सिखा, कई बंदे को नाम भी लिखा गए मुझसे। तो इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगा आपके शहर में, उधर स्पीड करूँगा, उन लोगों को काम भी करूँगा। आप भेजो बच्चे, तकरीबन 20 बच्चे मेरे से जमा हो चुके हैं, जो जब भी आप खोलें तो हमें कॉल के नाम आ जाएंगे। कर नहीं। अच्छा ये देखो, चूंकि ये छोटा सा मसला था हमारे लिए, तो अभी जिनको बोर्ड का लैब का नॉलेज नहीं होता, वो कभी इधर भटकते हैं, कभी इधर भटकते हैं, कोई चीज़ उनको नहीं मिलती। सीपीयू उठाते हैं, पीएम उठाते हैं, यूसी उठाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये वो नहीं होता, हत्ता कि वो मोबाइल भी डेड हो जाता है। लेकिन कस्टमर भी नाम यूज़ होकर चला जाता है, कुछ देर दुकान पर पड़ा जाता मोबाइल। अभी जिन साथियों को बोर्ड का नॉलेज नहीं होगा, वो तो यही करेंगे ना, सीपीयू उठाएंगे, पीएम उठाएंगे। लेकिन ये देखो, आपके सामने एक छोटा सा जंपर लगाया, वो गेम ओवर। सही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।